नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा मार्केट से जो फास्ट लाइन गुजरती है वहाँ पर लगातार जो ट्रेनों से हादसे होते हैं, पटरी क्रॉसिंग होने के दौरान हादसा होने की वजह जो है वहाँ पर दीवार नहीं है, कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं है। लोग, स्थानीय लोग जो है वहाँ पर सुरक्षा दीवार की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन जो है सुरक्षा दीवार उठाने में नाकाम है। लेकिन यहाँ पर MIM के जो यूथ प्रेसिडेंट सैफ पठान हैं, उन्होंने जो है रेलवे विभाग में इस बारे में लेटर दिया है। आइए जानते हैं उनसे कि उनको क्या आश्वासन वहां से मिला है। सर, जो सुरक्षा दीवार रेलवे की आप लोग मांग कर रहे हैं, उसको आपको क्या उसके बारे में आश्वासन मिला है? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा वॉल का जो मामला था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ही कवर किया था उसको, और कितने एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो रहे थे उसके चलते आपने देखे तो लोगों ने भी जो गुस्सा दिखाया था। मैंने उस वक्त ही आपसे कहा था कि मैं इसकी मांग नहीं करूँगा कि यहाँ पर कॉन्क्रीट वॉल बने और लोगों को यहाँ से ट्रैक क्रॉसिंग करने के लिए रोका जाए, और जो FOB ब्रिज है उसकी दुरुस्ती करके वो यूज़ करने के लिए कहा जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने DRM से मुलाकात की। उसके बाद DRM साहब ने हम लोगों को, यानी जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पर भेजा कि जो इंजीनियर डिपार्टमेंट, उनसे हमने मांग की, उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और मांगनी की कि तत्काल इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका काम किया जाए, वरना इसके खिलाफ़ MIM कुछ कॉन्क्रीट यानी ट्रैक पे आकर कर सकती है या वहाँ के लोग गुस्से में कुछ कर सकते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने तत्काल वहाँ पर मीटिंगें बुलाई सबकी, और अब आज उन लोगों ने मुझे लेटर दिया है कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर वो वॉल का काम शुरू होगा, और जो भी यानी कॉन्क्रीट वहाँ पर कॉन्क्रीट काम किया जाएगा और FOB का जो भी मेंटेनेंस का काम है वो शुरू होगा। लेकिन जो दीवार वहाँ पर उठाई जाती है, इससे पहले भी कई मरतबा वहाँ पर दीवार उठी, कांटेदार जालियाँ लगी, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग, स्थानीय लोग आने जाने वाले वहाँ से गुजरना चाहते हैं, वो लोग दीवार को तोड़ देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपको बता दूँ कि दीवार यानी जो है कि कोई स्थानीय तोड़ नहीं सकता। हर साल जैसा होता है कि TMC वहाँ पर नाला दुरुस्ती के काम के लिए वो जो वॉल्स बनती है उसे जब वो थोड़ा तोड़ते हैं ना, तो उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम आप उसे पुश भी करो तो वो दीवार गिरना ज़्यादा बढ़ते 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 चले जाती है। तो इस बार हम लोगों ने वो इनसे मांग की है कि इस बार इसे RCC में वॉल को खड़ा किया जाए, वो जो ब्लॉकिंग वगैरह करके ना किया जाए, और ना जाली वगैरह नहीं, कॉन्क्रीट वर्क किया जाए। और जो वहाँ पर एक पैदल पुल है उसका भी जो है हालत बहुत ख़राब है, एकदम जर्जर हो चुका है, उसकी मरम्मत के लिए आपने कुछ किया? जी, उसके मरम्मत के ताल्लुक से भी हम लोगों की बात हुई वहाँ पर जो इंजीनियर थे उनसे, उन्होंने कहा कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, फिर उन्होंने जो डिपार्टमेंट था उससे कॉल करके तत्काल बुलाया, वहाँ हमारी उनसे बात हुई है और उन लोगों ने कहा है कि इस काम के साथ साथ इंशाल्लाह ताला वो काम भी किया जाएगा। जो एक्सीलेटर आप बात करेंगे, 5-4 एक्सीलेटर जो है मुंब्रा स्टेशन पर लगना है, तो वो कब तक लगेंगे? इंशाल्लाह ताला, देखिए अभी 2016 से हम लोग इसके फॉलोअप पे थे कि यानी जो हमारे से छोटे जो स्टेशन्स है जहाँ पर आबादी हमारे कंपैरिजन में कम ट्रैवलिंग करती है वहाँ पर एस्केलेटर्स आ चुके हैं, और हमारे मुंब्रा को क्यों यानी ऐसा इसके नज़रअंदाज किया जा रहा है इस मामले के लिए, तो उस पर अब करते करते अब उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि 4 एस्केलेटर्स पास हुए हैं। हम लोगों ने जो भी फॉलोअप था उसको देख करके 4 एक्सीलेटर पास हुए। इंशाल्लाह ताला अभी हम उनसे वही मांग नहीं कर रहे कि हमको टाइम पीरियड बताएं कि कितने टाइम में आप करके दोगे। उम्मीद है कि ये साल भर के अंदर एस्केलेटर्स यहाँ पर बैठ जाएंगे। सर, लेकिन मुंब्रा स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो CST से कल्याण की तरफ ट्रेन आती है, वहाँ लोग उतरते हैं और फौरन जो है ट्रेन के आगे से ही पार होते हैं, वहाँ पर भी हादसे होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएं? देखिए, हम लोग लोगों से अपील कर सकते हैं, अब अपील हम लोग करते हैं हमेशा कि आप यहाँ से क्रॉस ना करें। अब आप रेलवे में उसकी शिकायत करेंगे? उसकी शिकायत ऑलरेडी रेलवे में ऑलरेडी पहले शिकायतें हो चुकी है, और उसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने बाउंड्रीज वगैरह बांध दी है, लेकिन बाउंड्री की भी हालत एकदम खस्ता है। जो वहाँ पर लगी हुई है चेतावनी बोर्ड, वो खुद गिर चुकी है। नहीं, इंशाल्लाह ताला आप जैसा बता रहे इस पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग चाहिए तो हमारी टीम वहाँ खुद बैठ करके जितना हो सके लोगों को मना करेंगे कि ये जानकारी रिस्क ना ले, आप FOB का इस्तेमाल करें, समझाया कि जितना फौरी तौर पे हो सके काम करिए, और उसका रिजल्ट ये होगा। उन लोगों ने मुझे 13 तारीख को कॉल करके ये बताया कि आप आओ, मैं उनसे कंटिन्यूसली फॉलोअप पे था, 2 से 3 बार उस बीच में भी जाकर आए कि सर इसको तत्काल करना है आपको, तो उन्होंने बताया कि आप 14 तारीख को आ जाओ, हम लोगों ने इसका कुछ यानी हम लोगों ने पास करवाया है कि वहाँ पर वॉल्स जितने जल्दी हो सके बनाई जाए, जो भी उसमें दिक्कतें हम आपको बताते, तो उनसे मीटिंग करके फिर उन लोगों ने मुझे एक लेटर दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे की तरफ से लेटर, देखो रेलवे की तरफ से आया है, ये उन लोगों का लेटर है कि बाउंड्री वॉल जो है 2 महीने के अंदर यानी 2 महीने के अंदर काम चालू करके जितना जल्दी हो सके कॉन्क्रीट की यानी RCC काम करके, जैसे पहले उन लोग लगाते थे ब्लॉक्स लगाते थे और सीमेंट का करते थे जो तोड़ दी जाती थी, तो हम लोगों ने वो मांग की कि नहीं, हम लोगों को कॉन्क्रीट वहाँ पर काम चाहिए,
आरसीसी का काम होकर के चाहिए, तो उन लोगों ने बताया कि 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला काम चालू होगा और होगा। और उसके अलावा दूसरा मुद्दा जो है, 2016 से कंटिन्यूसली मैं रेलवे से यानी मांगनी कर रहा हूँ। उस टाइम पे चाचू थे, चाचू ने मुझे गाइड किया था कि किस तरीके से मुझे जाना है वहाँ पर, आरटीआई के ज़रिए क्या उनकी गाइडलाइंस लेकर के। कुछ हमारे और सीनियर्स थे, उन लोगों ने गाइड किया, कुछ पत्रकारों से यानी मदद लेकर के हम लोगों ने वो काम शुरू किया था। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि आज नाहूर और कांजूरमार्ग जिसका कलेक्शन हम लोगों से 50% लेस है, उसके बावजूद वहाँ पर एस्केलेटर्स आ चुके जो सीनियर सिटीजन से उनके लिए। तो वो हम लोगों ने मांगनी की थी कि हमारे शहर में लगभग 10 से 12 लाख की आबादी है, रोज़ यहाँ से 7 से 8 लाख लोग ट्रैवल कर रहे तुम्हारी ट्रेनों से, उसमें 2 लाख के करीब हमारे सीनियर सिटीजन से जो चढ़ नहीं पाते और वो अपनी जानों का रिस्क लेकर के ट्रैक क्रॉसिंग करते। तो उसकी मांगनी करते करते वो फॉलोअप करते हुए, तो यही लेटर के साथ मैं उसके फॉलोअप पर ज़्यादा जोरी से लग गया उनके पीछे, तो वो भी उन लोगों ने मुझे जवाब भेजा है साथ में, आप देख सकते हो। उन्होंने रेफरेंस दिया मेरे लेटरों का, जो मैंने लेटर दिए थे उनको, कि वो रेफरेंस से हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर अभी 4 एस्केलेटर पास किए हैं। मेरी उनसे बात हुई कि वो टाइम लिमिट बताए कब तक लगाएंगे, तो उन लोगों ने कहा है कि यानी 1-2 मीटिंग और हो जान दो, हम आपको यानी विद इन अ मंथ बता देंगे कि कितने पीरियड में हम लोग वो एस्केलेटर वहाँ पर बिठा रहे। लेकिन 4 एस्केलेटर अभी मुमरा शहर के लिए हमारे पास हुए हैं, जो हम लोगों ने उनसे पीछे पढ़कर पास करवा के लाए। तो आपने सुना जो MIM के यूथ प्रेसिडेंट सैफ पठान थे, उन्होंने बताया कि जो भी रेलवे फास्ट ट्रैक का जो मुद्दा है दीवाल का, वो जो है तकरीबन रेलवे विभाग 2 महीने में इस कार्य को जो है शुरू करेगी और ये कार्य जो है दीवाल उठना, जो पूरी कॉन्क्रीट यानी RCC की पूरी दीवाल बनाई जाएगी। उनसे सवाल किया गया कि जो रेलवे स्टेशन पर जो है एक्सीलेटर जो 4 लगेंगे, उस काम को भी उन्होंने बताया कि वो काम भी जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस तरह का जो है रेलवे विभाग ने उन्हें आश्वासन दिया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स।